ये हैं 2018 बैच की आईएएस ऑफिसर सौम्या शर्मा। महाराष्ट्र कैडर की आईएएस ऑफिसर सौम्या उस समय चर्चा में आई थी जब सिर्फ 4 महीने की तैयारी करने के बाद ही उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा न सिर्फ पास की बल्कि देश भर में 9वीं रैंक हासिल की। सौम्या ने ये सफलता अपने पहले ही प्रयास में हासिल की। उनकी सक्सेस स्टोरी लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। सौम्या की शुरुआती शिक्षा दिल्ली में हुई। जब वो 16 साल की थी तभी अचानक उनकी सुनने की शक्ति चली गई। उनके माता पिता उन्हें अनेक डॉक्टर्स के पास ले गए मगर कोई लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर्स के मुताबिक सौम्या की 90-95% सुनने की शक्ति चली गई थी। सौम्या और उनके परिवार के लिए ये जीवन का सबसे कठिन दौर था। हालांकि सौम्या ने इस सदमे से उबरने की कोशिश की और एक फाइटर की तरह जीना शुरू किया। अब वो हेयरिंग एड की मदद से सुनती हैं। सौम्या ने दिल्ली के नेशनल लॉ स्कूल से वकालत की डिग्री हासिल की। जब वो लॉ की पढ़ाई के आखिरी साल में थी तब उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने का फैसला किया मगर उस समय उनके पास प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ 4 महीने का समय बचा था। सौम्या ने कड़ी मेहनत की और 4 महीनों की तैयारी में ही यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली। इसके बाद नंबर आया मेंस का। मेंस के समय उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि कभी उन्हें 102 तो कभी 103 डिग्री बुखार आ जाता था। उस समय सौम्या को एक दिन में 3 बार सलाइन ड्रिप चढ़ाई जाती थी। मेंस की परीक्षा के बीच में लंच ब्रेक में भी उन्हें ड्रिप लगाई गई। इसके कारण ना तो उन्हें रिवीजन का समय मिला और ना ही उनके हालात ऐसे थे। एग्जाम के समय बुखार और ड्रिप लगने से वो लगभग बेहोशी की हालत में थी। इन सब के बावजूद उन्होंने मेंस का एग्जाम क्लियर किया और फिर इंटरव्यू राउंड क्लियर कर देश भर में 9वीं रैंक हासिल की। सौम्या ने अपने दृढ़ निश्चय से आईएएस ऑफिसर बनने का सपना साकार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायर। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।